श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी जय श्री प्रभुपाद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वाणि मद भीष्मतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्भिः। तद् उ ह अर्हणम् मे सर्वाणि मध्यष्णतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्भिः तदुहारणम् मे सर्वाणि मध्यष्णतया भवद्भिः
Charani Bhutani Sutta Dharvani Sambhavitabhyani Pade Padeva Vivikta Drigbhihi Taduharhaname माता जी लोग नहीं बोलने का व्रत लिए हैं क्या? मैं दो तीन दिन से नहीं सुना, कोई बोले देख दो। सर्वाणि समस्त मत धिष्णतया मेरा आसन होने के कारण भवद्भिः तुम्हारे द्वारा चराणि चर भूतानि जीवात्माएं सुता हे पुत्रों ध्रुवाणि अचर संभावितव्याने आदरणीय पदे पदे पग पग पर प्रतिक्षण वा तुम लोगों के द्वारा विविक्त दृग्भे अस्पष्ट दृष्टि तथा ज्ञान से युक्त परमात्मा रूप में श्री भगवान सर्वव्यापी हैं ततो अप्रत्यक्षतः हा निश्चय ही अर्हणम आदर देते हुए मैं मुझे अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की हे पुत्रों तुम्हें चराचर जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूं प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए इस प्रकार तुम मेरा आदर करो आवृत्ति करिए हे पुत्रों तुम्हें चराचर जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूं प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए इस प्रकार
तुम मेरा आदर करो। तात्पर्य, इस श्लोक में विविक्त दीर्घवी अर्थात ईर्ष्या रही शब्द का प्रयोग हुआ है। सभी जीवात्माओं में श्री भगवान का वास होता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। अंडांतरस्तम परमाणुचयांतरस्तम, इस ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक साई विष्णु तथा क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में स्थित हैं। वे प्रत्येक परमाणु में व्याप्त हैं। वेदों का कथन है ईशावास्यम इदम सर्वम, प्रत्येक परमेश्वर सर्वत्र स्थित है और जहां कहीं भी वे स्थित हैं वह उनका मंदिर है। हम दूर से मंदिर को प्रणाम करते हैं, इसी प्रकार से समस्त जीवों को प्रणाम करना चाहिए। यह उस विश्व देवतावाद के सिद्धांत से भिन्न है जो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर मानता है। हमें दरिद्र नारायण के मूर्ख उपासकों की भांति ऊंच नीच में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। नारायण तो धनी तथा निर्धन दोनों में विद्यमान है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि नारायण केवल दरिद्रों में वास करते हैं, वे सर्वत्र हैं। परम भक्त प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह कुत्ता या बिल्ली ही क्यों न हो, सम्मान प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय 18वें श्लोक में कथन है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। यथार्थ से विनित साधु, विद्या तथा विनय से युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता और चंडाल कुत्ता भक्षक को समान दृष्टि से देखता है। इस समदर्शिना शब्द से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जीव तथा ईश्वर एक समान है, वे सदैव पृथक पृथक हैं। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर से भिन्न है, अतः विविक्त दिग समदृग के आधार पर दोनों की तुलना करना भूल होगी। भगवान भले ही सर्वत्र रहना स्वीकार करें किंतु उनका पद बड़ा है। श्रील माध्वाचार्य पद्म पुराण से उदाहरण देते हुए कहते हैं, विविक्त दृष्टि जीवानाम धिष्णतया परमेश्वरस्य भेद दृष्टि, जिसकी दृष्टि विमल है और जो ईर्ष्या रहित है उसे ईश्वर प्रत्येक जीवात्मा में स्थित रहकर भी समस्त जीवात्माओं से पृथक दिखता है। और वे आगे भी पद्म पुराण से उदाहरण देते हैं, उपपादये परात्मानम जीवेभ्यः यः पदे पदे भेद नैव चैतस्मात् प्रियो विष्णुस्तु कश्चन। जो जीवात्मा तथा परमेश्वर को पृथक पृथक देखता है उसे परम प्रिय होता है। पद्म पुराण में कहा गया है, यो हरेश्चैव जीवानम भेदवक्ता हरे प्रिय। जो यह उपदेश देता है कि जीवात्मा परमेश्वर से पृथक है वह भगवान विष्णु को परम प्रिय होता है। तो श्री भगवान ऋषभदेव अपने प्रवचन के अंत में कहते हैं, अब ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण सम्मानम विधाय, पहले ब्राह्मणों के सम्मान की बात कहे और अब सब जीवों के सम्मान की बात कह रहे हैं। सर्वाणी सर्वाणी भूतानि और चराणी चर या ध्रुवाणी अचर, दो तरह के प्राणी हैं इस संसार में, चर और अचर। चर कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं, और अचर कहते हैं जो एक स्थान पर ही स्थित रहते हैं, जैसे वृक्ष। और चर में गाय मनुष्य कीड़ा मकोड़ा पक्षी सभी चर हैं। तो भगवान कहते हैं चर और अचर समस्त प्राणियों को मेरे निवास स्थान के रूप में देखना चाहिए। मद भीष्णतया, भीष्ण का अर्थ है अधिष्ठान, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं वास करता हूं। तो सभी
चर अचर प्राणी भगवान के निवास स्थान है, सबके हृदय में भगवान है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सर्वभूतानां समस्त जीवों के हृदय से हृदय प्रदेश में ईश्वर रहता है। ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया, और हृदय में रह करके समस्त प्राणियों को वे गति देते हैं, चालित करते हैं। ब्राह्मण हृदय में भगवान हैं और वे प्राणियों में सब प्रकार की शक्ति देते हैं, बोलने की, सुनने की, हाथ से काम करने की, पैर से चलने की, बुद्धि में शक्ति देते हैं निर्णय करने की, और मन में संकल्प विकल्प करने की शक्ति देते हैं। यदि भगवान न रहे इस हृदय में तो शरीर बिल्कुल जड़ है, निष्क्रिय है। तो भगवान का ये स्नेह है जीवों के प्रति कि वे विश्व सृष्टि करके और सबके हृदय में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण इस विश्व का निर्माण करने के लिए प्रकृति में प्रवेश करते हैं, तो उनके उस स्वरूप को कारणोदक साई विष्णु कहते हैं। विष्णु इसीलिए कहा जाता है भगवान को, कृष्ण को, कि वे सब जगह व्याप्त हैं, तो प्रकृति के अंदर हैं कारणोदक साई के रूप में, और प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर अपने को एक्सपेंड किए। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक साई के रूप में, और इसके बाद प्रत्येक जीव के हृदय में क्षीरोदक साई के रूप में वे प्रवेश करते हैं। तो सभी जीवों के हृदय में हैं। इस पवित्र भाव से सबका सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी भगवान का मंदिर है। प्राणी भगवान नहीं है, भगवान में और जीवात्मा में भेद है। भगवान विभू हैं, परम ईश्वर हैं, और जीव अणु है, अल्प ज्ञान वाला है, अल्प शक्ति वाला है। तो कुछ लोग भ्रम से ऐसा समझ लेते हैं कि जीव भी भगवान है। श्रील प्रभुपाद इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जीवों में भगवान है, जीव भगवान नहीं है, यह सिद्धांत है। तो सभी जीवों के हृदय में भगवान को, परमात्मा को देख करके सबका सम्मान करना चाहिए। और भगवान कहते हैं तदुह अर्हणम, मैं यही मेरी पूजा है। अगर मेरा आदर करना चाहते हो तो सभी प्राणियों का आदर करो, सबके हृदय में मुझको देखो। ये बहुत पवित्र दृष्टि है। इसको भगवान कह रहे हैं विविक्त दृग भी, तुम लोगों की दृष्टि विविक्त होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। भगवान की इच्छा रहती है कि संसार में कोई भी जीव दूसरे जीव को दुख न दे, सब मिल करके रहे। जैसे एक पिता स्वाभाविक चाहता है अगर उसके दो चार पुत्र हैं तो चाहेगा कि सभी पुत्र मिल करके रहें, एक दूसरे का आदर करें। तो इस विश्व सृष्टि के पिता भगवान कृष्ण हैं, वे चाहते हैं कि सब मिल करके रहें, किसी के प्रति मत्सरता, द्वेष ये सब न रखें। इसी का उपदेश भगवान कर रहे हैं कि हे पुत्रों,
चर और अचर समस्त जीवों को मेरा अधिष्ठान समझो, मैं वहां हूँ, और इस दृष्टि से सबका सम्मान करना चाहिए। संभावितव्यानि सम्माननीयानि, संभावितव्यानि का अर्थ है कि सबका आदर करना चाहिए, मान देना चाहिए। और कब, श्री भगवान का तो पदे पदे क्षण क्षण में सब समय, जब भी कोई दिखाई दे या सुनाई पड़े, जब भी व्यवहार करना हो तो प्रत्येक प्राणी को मेरे अधिष्ठान के रूप में देख, मैं अधिष्ठित हूं। अधिष्ठान का अर्थ है अधिकार कर पूर्वक स्थान, मैं वहां हूं। यह मंदिरों में तो भगवान मंत्र द्वारा आते हैं, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन प्राणियों के हृदय में भगवान अपने नियम से हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा आदि की जरूरत नहीं है। हैं इसको कई बार भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सर्वस्य हमेशा सर्वस्य लगा रहे हैं। इस श्लोक में भी भगवान सबसे पहले सर्वाणी लगाए, सर्वाणी भूतानि, सभी जीव मेरे निवास स्थान हैं, इस तरह से तुम देखो। मद्धिष्णतया भवद्भिः, तुम लोगों के द्वारा, वह कार्य है भवद भी, वहां भी उस सभा में ब्राह्मण भी बैठे थे और कई लोग बड़े बड़े बैठे थे, तो भगवान आदर सूचक शब्द बोल रहे हैं भवद भी, और संबोधन कर रहे हैं सुता, हे पुत्रों। जो भगवान के लिए तो वहां सभा में बैठे हुए सभी लोग पुत्र के समान हैं, राजा का प्रजा जो है पुत्र के समान है। तो भगवान राजा के रूप में प्रवचन कर रहे हैं, तो समस्त सभा को पुत्रा कह करके बोल रहे हैं, सुता, हे पुत्रों मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस विश्व में जितने भी चर रेंगने वाले और नहीं रेंगने वाले वृक्ष आदि जीव हैं, सभी मेरे निवास स्थान हैं, मैं सबके हृदय में रहता हूं। इस पवित्र भाव से सबका सम्मान करो क्षण क्षण में, इसका अर्थ है हर एक समय। ध्रुवाणी कुछ अचर प्राणी हैं, जैसे वृक्ष, तो वृक्षों का भी सम्मान करना चाहिए, उनमें भी भगवान हैं, और वे संवेदना को प्रकट करते हैं। वृक्ष वे भी हर्षित होते हैं, वे भी प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने शोध करके अनुसंधान करके सिद्ध किया कि वृक्षों में संवेदना होती है, तभी सुख दुख का अनुभव करते हैं। हम लोग भी ऐसे घास देखे हैं, आपने सुना होगा एक लाजवंती घास होती है जो जोर से आवाज करने पर सिकुड़ने लगती है। यदि अच्छा से बोला जाए तो खिल जाती है, लेकिन जोर से बोलने पर सिकुड़ जाती है। तो ये वृक्ष लता घास आदि में भी संवेदनशीलता है,
वे सुख दुख का अनुभव करते हैं तो उनमें भी भगवान हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। सम्मान का प्रकार भिन्न भिन्न हो सकता है लेकिन सम्मान करना चाहिए। सब में भगवान को देखना एक बहुत ऊंची दृष्टि है। जो सब जगह कृष्ण को देखेगा वो किसी से द्रोह नहीं कर सकता है। निजे प्रभु मैं देखाई जगत केसन करहीं विरोध। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जो भगवान राम के भक्त हैं, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, जिनमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, तो निजम प्रभु मैं देखाई जगत, वे सारे जगत में अपने प्रभु को देखते हैं, तो केहिसन करें विरोध, तो किससे विरोध करेंगे? किसी दूसरे से विरोध करते हैं तो राम से ही विरोध हुआ, क्योंकि राम सब जगह है। तो सब प्रकार के साधना का ये फल है, सब में भगवान को देखना। जैसा श्री प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं ब्रह्म संहिता का श्लोक, ब्रह्मांड रस्थ परमाणु चयांत रस्थ। भगवान गोविंद ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड के भीतर एक एक परम अणु में है, एक एक एटम में है। परमाणु चयांतरस्थम, परमाणुओं के अंदर है। तो यह जगत कृष्णमय हुआ कि नहीं? जब एक एक अणु में भी कृष्ण है तो सब जगह कृष्ण ही है, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। सामने भी कृष्ण, पीछे भी कृष्ण, बाएं कृष्ण, दाएं कृष्ण, सब में, पेड़ पौधा में, पक्षी में, पशु में, मनुष्य में, सब में भगवान कृष्ण है। कितना सुंदर शिक्षा है भगवान ऋषभ देव की। भगवान सिखा रहे हैं कि इस जगत के प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार रखे, क्या दृष्टिकोण रखे। दृष्टि सबसे पवित्र यही है, सबसे ऊंची दृष्टि यही है कि सब जगह हम भगवान को देखें। भगवान है केवल भावना से नहीं देखना है, भगवान सब जगह है। अगर हम इस दृष्टि को नहीं देखते हैं, यदि हम इस विचार से नहीं देख पाते हैं किसी वस्तु को, किसी वृक्ष, किसी प्राणी को, तो इसका मतलब है कि हम अंधे हैं, देखते हुए भी कुछ देख नहीं रहे हैं। जो उच्च कोटि का भक्त होता है उसको स्थावर जंगम कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो सब में कृष्ण को देखता है। सब जगह बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर दिखाई देते हैं उसको। प्रहलाद महाराज असुर बालकों को उपदेश करते हुए कहते हैं कि देखो, सबसे उन्नत दृष्टि ये है सब जगह गोविंद को देखना और उनकी भक्ति करना। ये तावा नैव लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थः परः स्मृतः, एकांत भक्तिर् गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। ये तावा नैव,
केवल इतना ही जीव का परम स्वार्थ है। परम स्वार्थ, स्वार्थ का अर्थ है अर्थ है परम पुरुषार्थ। इस संसार में हम जो कुछ भी कमाते हैं उसे कहा जाता है कि पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ को वैदिक शब्दों में बांटा गया है, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है कुछ ऐसे नियमों का पालन करना जिनसे हमको स्वर्ग प्राप्त हो। तो स्वर्ग प्राप्त करना इस प्राकृत जगत में, बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करना, बहुत लंबी आयु प्राप्त करना और बेटर भोगों को भोगना, इसको धर्म कहा गया है। यज्ञ आदि करके उच्च लोकों को प्राप्त करना और अपने कर्म के अनुसार वहां दिव्य भोग भोगना है, ये धर्म कहा जाएगा। और अर्थ, अर्थ का मतलब होता है यहाँ समृद्धि, रुपया पैसा, कार मोटर गाड़ी, ये सब इकट्ठा करना, ये है अर्थ। और काम का अर्थ है खूब यहाँ भोग भोगना, अच्छा खाना पहनना, स्त्री संग आदि, ये सब काम के भीतर है। तो अधिकांश मनुष्यों का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति ही है। मानते हैं कि अगर हमको अच्छा भोग मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, इंद्रियों को सुख मिल रहा है, तो हम परफेक्ट हैं। तो उनके लिए काम एक पुरुषार्थ है। यद्यपि भक्तों ने काम और अर्थ को कभी पुरुषार्थ नहीं माना है, भक्त तो मोक्ष को भी पुरुषार्थ नहीं मानते हैं। और चौथा पुरुषार्थ है कि संसार से विरक्त होकर के जन्म मरण से मुक्त हो जाना, इन दुख द्वंद्वों से मुक्त हो जाना, ब्रह्म से मिल जाना अथवा भगवान के धाम में चले जाना, इसको मोक्ष कहा जाता है। यह अंतिम पुरुषार्थ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्ति सुख के आगे ये चार प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं और नरक जैसे हैं। चारों पुरुषार्थ को भक्त नरक के समान मानता है, उसके लिए बस एक ही पुरुषार्थ है, उसको पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है, वह है कृष्ण प्रेम। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, एतावा नैव लोकेष्विन पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः। इस प्राकृत जगत में जीवात्मा के लिए बस यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी कमाई है कि एकांत भक्ति गोविंदे, भगवान कृष्ण में अनन्य भक्ति हो, और जत सर्वत्र तदीक्षणम, और समस्त जगत में उनको देखे, समस्त प्राणियों में उनको देखे, यह परम पुरुषार्थ है। भगवान की भक्ति करना और भगवान को सभी प्राणियों में देखना कितनी आसान भक्ति है। सब प्राणियों में भगवान कृष्ण को देखना वास्तव में बिल्कुल आसान है, अगर कोई अभ्यास करे तब।
केवल दृष्टिकोण बदल देना है। हम किसी को दूसरे रूप में देख रहे हैं, लेकिन उसको जैसा भगवान कहते हैं उस रूप में देखना है। जैसे एक गाय को देखते हैं दो लोग, एक गाय का भक्त देखता है और गाय को माता के रूप में अवश्य गाय से वो दूध भी चाहता है, तो उसकी एक दृष्टि है। और कोई गाय को कसाई देखेगा तो उसमें वो मांस देखेगा, उसमें कितना मांस है। तो दृष्टि दो हो गई ना, वस्तु तो एक ही है लेकिन उसको दो दृष्टि से देखा जा सकता है, एक कसाई की दृष्टि और एक गोभक्त की दृष्टि, दोनों में बहुत अंतर है। यह जगत भगवान कृष्ण ने बनाया है, तो इसको हम कैसे देख रहे हैं। कोई कोई ये मानते हैं कि हमारे भोगने के लिए बना दिए, हम जब तक जिएंगे तब तक अपनी पूरी शक्ति से इसको भोगेंगे, इकट्ठा करेंगे और अंत में सब इकट्ठा करके मर जाएंगे। यही है ना, इस संसार में कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। हमने भाई जी हनुमान प्रसाद पद्दार से एक रूपक सुना था, तो उसमें कहते हैं एक ऐसा देश है इसी पृथ्वी पर जहां का अद्भुत नियम है। एक ऐसा देश है जहां राजा है, तो राजा को जब राज से रिटायर का समय आता है, राज छोड़ने का समय आता है, तो उसको एक लंगोटी पहनाई जाती है, मुकुट हटा दिया जाता है, राजकीय पोशाक हटा लिया जाता है, और लंगोटी पहना करके फट्टी चादर ओढ़ा करके उसको दूर देश में भेज दिया जाता है। एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाता है जहां कोई सुख सुविधा नहीं रहती, अब वहीं पर वो रहता है, चाहे उसको सियार खा जाए या सिंह खा जाए, लेकिन वो छोड़ दिया जाता है। बस राज जब तक राजा है तब तक तो शासन चलता है, उसकी हुकूमत चलती है, लेकिन राज खत्म होते ही, पीरियड खत्म होते ही उसको अव्यक्त जंगल में भेज दिया जाता है। तो एक राजा ऐसा था, तो उसको एक साल पहले पता चल गया कि एक साल के बाद हमको जंगल में जाना है जहां कोई सुख सुविधा नहीं है। तो वो अपने मंत्रियों से पूछा कि हमको क्या लेकर जाना होगा, तो लोग कहे कि कुछ नहीं, जब तक राज्य का अधिकार है तब तक आप कुछ कर सकते हैं। तो वो बहुत चतुर राजा था, उसने कहा ठीक है, इस समय अधिकार है ना हमारा है। तो वो लोग कहे हाँ सरकार, इस समय आप जो भी कहेंगे, जो कानून बनाएंगे, जो करने को कहेंगे वो किया जाएगा। तो उस राजा ने कहा कि तो राज खत्म होने के बाद हमको किस जंगल में जाना है। तो वो लोग बताए कि बताया नहीं जाता है, लेकिन आप कहते हैं तो आपको बता देते हैं हम लोग, और जंगल का पता बता दिए। तो राजा पूछा हमारा और अधिकार, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अभी जब तक राज है तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। तो राजा ने कहा कि हम जिस जंगल में जाएंगे
वहां एक बहुत अच्छा राजमहल बनाया जाए, बहुत सुंदर भवन बनाया जाए और सब सुख की सामग्री वहां उपस्थित करो। होते होते जब 11 महीना बीत गया, केवल एक महीना रह गया, तो वो पूछा मंत्रियों से, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, इससे भी अच्छा भवन बनना चाहिए और सब सब सुख सुविधा होनी चाहिए, किचन सिचन सब, और सैकड़ों नौकर वहां रहना चाहिए मेरी सेवा के लिए, और मोटर गाड़ी आदि सब होनी चाहिए, मैंने हाथी घोड़ा सब कुछ। इसके बाद भेजा एक मंत्री को, जाकर देखाओ सब ठीक हो गया ना, तो पता लगा करके आ गया, हाँ वहां सब ठीक है। तो राजा ने सोचा, जब एक महीना में हमको वहीं जाना है, राज छोड़ना है, तब यहाँ के भोग में क्या दम है, तो वो बिल्कुल उदास रहने लगा, तो और लोग मिलना जुलना छोड़ दिए। कई लोग कहते थे कि यहाँ पार्टी है, दावत है, ये चलिए, यहाँ नाच हो रहा है, यहाँ गान हो रहा है, यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसमें चले, तो वो कहता था नहीं, वो बहुत, तब कुछ लोग आना छोड़ दिए और देखेंगे तो बहुत मनहूस आदमी है, राजा था लेकिन सब लोग छोड़ दिए। और अंत में वही राज से रिटायर होने के समय जब आया, तो वही जो किया जाता था किया गया, राज छोड़ दिया, मुकुट छोड़ दिया, पोशाक छोड़ दिया राज किए, और उसे लंगोटी पहना दी गई, एक चादर डाल दिया गया शरीर पर, और एक नौका पर बैठाया गया, एक नाव पर बैठाया गया, और खेने वाला मल्ला है, नहीं बताया कहाँ जाना है, और ले जा रहा था। तो उस पार बहुत घना जंगल था, उसमें ले जाकर के उस राजा को छोड़ दिया गया। तो तब पहले से व्यवस्था कर चुका था कि यहाँ सब सुख सुविधा है, तो गया रहने लगा। यह रूपक का अर्थ है कि अंत में सब छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मैं सब कुछ छीन लेने वाला मृत्यु हूं, सब कुछ छीन लिया जाए, सर्वहरा, मृत्यु होती है तो सब लोग देखते ही है ना, उस व्यक्ति का सब कुछ हर लिया जाता है, एक पैसा भी नहीं, कुछ नहीं, एक धागा भी शरीर पर नहीं रहता, और ये पहना रहता है वो तोड़ लिया जाता है, यही दिखाने के लिए, देखो इसके साथ कुछ नहीं गया, एक पैसा भी नहीं जाएगा, एक स्वजन भी नहीं जाएंगे, अपनी पत्नी यहीं रह जाएगी, बच्चे भाई सब यहीं छूट जाएंगे, साथ क्या जाएगा, जो हम कर्म किए हैं वो कर्म का फल जो अव्यक्त रूप में रहता है वही साथ जाएगा। तो हम सब जब तक जी रहे हैं तब तक राजा की तरह हैं, और आगे के लिए अगर कुछ करना है तो इसी जीवन में कर लेना है, या रिटायर होने के बाद नहीं कर पाएंगे, कोई पावर ही नहीं रहेगा,
मरने के बाद अब कुछ भी बस नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। जैसे रखा जाएगा वैसे रहना होगा, जहाँ भेज देंगे वहां जाना होगा। तो लेकिन अभी जब तक राज्य है, जब तक जीवित है, तब तक अधिकार है, हम स्वर्ग कमा सकते हैं, हम वैकुंठ कमा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जीवित हैं तो। परलोक के लिए, भविष्य के लिए हमें अभी कमाना है। तो यह बहुत बड़ी कमाई होगी कि हमारे हृदय में भगवान से प्रेम बढ़ जाए, भक्ति हो जाए, हम भगवान को सब जगह देखें। भगवान को सब जगह तभी देखेंगे जब हमारे भीतर भगवान होंगे, तब वो व्यक्ति समर्थ होता है सब जगह भगवान को देखने में। वो किसी से बैर विरोध नहीं करता, सबसे स्नेह करता। भगवान का यह उपदेश बहुत सुंदर है। हम तो बार बार भगवान को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ऐसा सुंदर उपदेश दिया, ऐसे जीने की कला सिखाया। ऐसे जीना चाहिए। भगवान कृष्ण हमारे हृदय में रहें और हमारे आंख में रहें, हमारे कान में, हमारी जीभ पर, इस तरह से सर्वत्र तदीक्षण उनको चर प्राणियों में, अचर प्राणियों में हम उनको देख सकें। यह उनसे प्रार्थना है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं विविक्त दृष्टि, विविक्त दृग्भी, सबसे पवित्र और परफेक्ट दृष्टि यही है कि सब जगह भगवान दिखाई दे। सब जगह भगवान में है इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग भगवान हैं। भगवान में और जगत में बहुत भेद है, श्री मध्वाचार्य जिसको बताए हैं, इसीलिए उनके फिलॉसफी को द्वैतवाद कहते हैं। सर्वत्र भेद है, जीव में और भगवान में भेद है, जगत और जीव में भेद है, जगत और भगवान में भेद है। परंतु अद्भुत भेद है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव में और भगवान में भेद है, लेकिन अचिंत्य भेद है। भेद भी है, अभेद भी है, हम उसके बारे में सोच नहीं पाएंगे कैसा भेद है और कैसा अभेद है। उसको उन्होंने कहा है अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेदा भेदवाद। पर यह दृष्टि स्वयं भगवान ही दे रहे हैं कि सभी प्राणियों में मुझको देखना चाहिए। सर्वभूतानां, ये दो चार लोगों के हृदय में भगवान नहीं है। सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के हृदय में। सर्वाणि मद्धिष्णतया भवद्भिः, चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि। चराणि मतलब चर और ध्रुवाणि मतलब ध्रुव, एक जगह स्थित रहने वाले अचर,
चर अरचर सभी प्राणी भगवान के निवास स्थान है, सब में भगवान है। यह देखना एक बड़ा सुख है, भगवान हमारे बहुत निकट है, उतना निकट कोई रह ही नहीं सकता है। ऐसा माना जाता है किसी व्यक्ति का किसी के साथ है तो सबसे जीवन संगिनी कहा जाता है पत्नी को, लेकिन वो भी सब समय साथ नहीं रहती, बेटा सब समय साथ नहीं रहता। कुछ घंटे के लिए या कुछ मिनट के लिए वे लोग दूर रहते हैं। जब आप ऑफिस चले जाएंगे तो पत्नी घर पर रहती है, तो साथ नहीं है ना, लेकिन भगवान घर पर भी हैं और ऑफिस में जाएंगे वहां भी भगवान हृदय में है, आपके हृदय में और अन्य वर्करों के हृदय में भगवान है, सर्वत्र है। देश विदेश पर्वत जंगल सब जगह भगवान साथ रहते हैं, शयन में सपना में जागृत में सब समय साथ रहते हैं। और वही स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं। भगवान हृदय में है तब हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है। भगवान के नहीं रहने पर यह मरा हुआ संसार है, तो सब जगह भगवान का अनुभव करना देखना यही उस उद्देश्य का सार है। और ये सत्य दृष्टि है, भगवान को देखना सत्य को देखना है, भगवान के अलावा सब कुछ झूठा है। वस्तु है लेकिन हम जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप में नहीं है, तो झूठा ही हुआ ना। हम जिस वस्तु को देख रहे हैं कि अचल है, ये हमको सुख देगी, उनको इससे आराम मिलेगा, लेकिन आराम नहीं मिलता है, उससे दुख होता है, तो हमारी दृष्टि गलत हुई ना। इसलिए कि गलत ही हमारा प्रारंभ हो गया। भगवान सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। भगवान जब से है अनादि काल से अब तक एक रूप है, उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं है, उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं। जो भक्त को अपना लेते हैं तो सदा अपनाए रहते हैं। इस संसार में तो क्षण क्षण में मानसिकता बदलती रहती है। किसी को बेटा से प्रेम है लेकिन बेटा जब सयाना होता है तो धीरे धीरे उसका प्रेम कम होता जाता है। छू लेता है बेटा या पत्नी या भाई, ये सब दूर होते रहते हैं, लेकिन भगवान सदा हैं, सब समय हैं और सब समय एक भाव रखते हैं, स्नेह करते हैं, उनके स्नेह में कभी बाधा नहीं आ सकती। यदि हम में से किसी को शक्ति दिया जाए कि आप प्राणियों के हृदय में रहिए, तो अगर कदाचित अगर रहना चालू करें तो उब करके दो तीन दिन में भाग जाएंगे, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान अनादि काल से प्राणियों के हृदय में हैं और जहां जाता है वहां रहते हैं, कभी हृदय से जाते नहीं।
परमात्मा के रूप में सदा रहते हैं, क्योंकि उनको उसको गाइड करना है, स्मृति देना है, ज्ञान देना है, विस्मृति देना है। जैसे विस्मृति का अर्थ जैसे निद्रा आदि देना, नींद देना भी जरूरी है इसको आराम करने के लिए। जो बहुत टेंशन में रहता है तो उसको डॉक्टर लोग भी कहते हैं इसको सुला देना चाहिए। अच्छा से नींद आती है ना, पूछते हैं तो निद्रा भी भगवान देते हैं, जरूरी है तो साथ रहते हैं सब समय। तो भगवान सत्य है ना, सब जगह है और सब काल में है। हरि सर्वत्र सर्वदा, सर्वदा मतलब सब समय। इस जन्म के पहले भी साथ में थे, इस जन्म में भी हैं और आगे भी रहेंगे। वही सच्चा स्नेही है, सच्चा प्रेमी है, कभी छोड़ते नहीं है अपने अंश को, अपने जीव को। तो उन्हीं भगवान से प्रेम करना चाहिए, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए और उनको सब जगह उपस्थित देखना चाहिए। अपने राधा रास बिहारी ही सबके हृदय में है, रास बिहारी, रास विहार करने वाले कृष्ण सब जगह है। और यदि आप भक्ति करते हैं तो विश्वास रखिए भगवान आपके पास हैं। यदि आपके जिह्वा पर हरे कृष्ण महामंत्र है तो रास बिहारी ही नृत्य कर रहे हैं जीव पर। नाम के रूप में कृष्ण ही है, भक्ति की शिक्षा पा करके हम जितनी कर सके उतना करना चाहिए, धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी भक्ति। भगवान सहायक हैं, हम जिस पंथ पर चल रहे हैं इसमें स्वयं श्री कृष्ण ही सहायक बनकर चलते हैं। उनका नाम सहायक है, उनके भक्त सहायक हैं और उनका ग्रंथ सहायक है, उनकी कथाएं सहायता करती है। तो यह पंथ भक्ति का पंथ ऐसा विलक्षण मार्ग है जिस पर असहायता का दोष नहीं है, ज्ञान मार्ग में सहायता नहीं है। एक ज्ञानी क्या सोच रहा है, क्या ध्यान कर रहा है, दूसरे ज्ञानी को पता भी नहीं रहता है, तो क्या हेल्प करेगा। वो अलग बैठा है, वो अलग अपने अपने ध्यान में है, वो क्या ध्यान में देख रहा है, ये क्या देख रहा है, एक दूसरे को पता नहीं रहता है। लेकिन भक्ति में सहायता है, एक भक्त आगे से हरे कृष्ण गाता है तो दूसरे सभी सुनते हैं और गाते हैं, पता लगता है ना कि हाँ हाँ भक्ति हो रही है। तो इसमें सहायता है, एक भक्त भगवान को भोग लगाता है तो कई जीवों को भगवान का प्रसाद मिलता है खाने, ये सहायता मार्ग है, सहायता है। मंदिर बना करके कुछ भक्त भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं तो बाद में हजारों लाखों आदमी आकर दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये सहायता हुई ना। तो बहुत सहायता है, भगवान कृष्ण हमारे सहायक हैं। और बीच बीच में वो अपने पार्षदों को भेजते रहते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भेजा। तो यह भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी सहायता है।
तो यह भक्ति का मार्ग सहायता का मार्ग है, जिसमें सहायक हैं। एक भक्त दूसरे की सहायता करता है, और कर्म मार्ग ऐसा है जिसमें होड़ लगी रहती है, कंपटीशन जैसा रहता है कि हम ज्यादा कर लें, हम स्वर्ग पा लें, हम ज्यादा करें और दूसरा न करने पावे। आपने सुना होगा जब कोई तपस्या करता है या जग करता है तो देवताओं को चिंता हो जाती है उसका तप भंग करो, किसी अप्सरा को भेज करके या किसी तरह से जग में विघ्न डालते हैं। तो इसमें सहायता नहीं है, इसमें बैर विरोध है, प्रतिद्वंदिता है। लेकिन भक्ति मार्ग में मान लीजिए कोई भक्त जप कर रहा है और दूसरे भक्तों को सुनने को मिलता है कि वो 16 माला से बहुत ज्यादा जप किया, तो क्या ईर्ष्या होती है, जलन होती है? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा किया तो बहुत अच्छा, ज्यादा जप करना चाहिए। सभी यही कहते हैं, परंतु स्वयं भी करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि मैं बड़ा आलसी हूं, हमसे तो 16 वाला भी नहीं होता है, क्या करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दूसरे भक्त कर रहे हैं तो हमारा मन और बढ़ना चाहिए कि हम भी करेंगे। फिर भक्तों का ये स्वभाव होता है, कहते हैं हम पर भी कृपा कीजिए, हमारा भी जप हो। प्राय भक्त लोग कहा करते हैं, और कभी कभी भक्त पूछते हैं हमारा मन नहीं लगता है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए, मन को लगाने के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, जिह्वा को लगाना चाहिए। जीभ से जपते रहेंगे तो ये मन कहां जाएगा, लाचार होकर के आ जाएगा। सब जगह यही उपदेश है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनियो सदाहरी, विस्मरणियो सदाहरी नहीं कहते हैं, कीर्तनियो सदाहरी। नाम कीर्तन करना चाहिए, चाहे संख्या संकीर्तन या ऐसे मृदंग करताल पर कीर्तन, पर भगवान का नाम का उच्चारण होना चाहिए। ये सबसे बड़ी भक्ति है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में बहुत उपदेश है बीच बीच में भक्तों के, और कभी कभी भगवान के, जैसे भगवान ऋषभ देव के हैं, भगवान दत्तात्रेय के, भगवान कृष्ण के उपदेश हैं एकादश स्कंद में बहुत ज्यादा, भगवान कपिल देव और सुखदेव गोस्वामी के उपदेश, मैत्रेय मुनि के उपदेश सब जगह भरे पड़े हैं। मैत्रेय मुनि एक श्लोक में कहते हैं अशेष संकले समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, मुरारी के भगवान कृष्ण के गुणों को सुनना तो सब प्रकार के क्लेश को खत्म कर देता है। तो भगवान के विषय में बहुत सुनना चाहिए, उनका नाम सुनना, उनके बारे में सुनना। भगवत गीता बहुत परफेक्ट उपदेश है भगवान का, और थोड़े में 700 श्लोक में है केवल, लेकिन पूर्ण है।
बारंबार पढ़ना चाहिए भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत, तो हम सुखी रहेंगे और भगवान में भक्ति बढ़ती जाएगी, प्रेम बढ़ता जाएगा। भगवान के इस उपदेश से बहुत बल मिलता है और बहुत शांति मिलती है। कोई बात नहीं, हम जिस भगवान के लिए साधना कर रहे हैं वो भगवान सब जगह है। अगर नहीं होते या निराकार होते तो बड़ा डिफिकल्टी थी, लेकिन भगवान सब जगह है। प्रहलाद महाराज कहते हैं असुर बालकों को, कोटि प्रयासो असुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सतः। हे असुर बालकों, भगवान की उपासना में क्या प्रयास है, क्या परिश्रम है, कुछ भी नहीं। तो पहली बात तो बता रहे हैं कि भगवान सब जगह हैं। तो सब जगह हैं तो उनको खोजने की आवश्यकता नहीं है। छिद्रवत हृदय सतह, वे हृदय में सबके विराज रहे हैं और आकाश की तरह हैं। आकाश सबसे बड़ा है, आकाश के भीतर ही सब लोक या पहाड़, पृथ्वी, समुद्र समाये हुए हैं, लेकिन आकाश सबसे सुलभ वस्तु है। जिधर भी देखते हैं, जिधर हाथ करते हैं, उधर आकाश भरा हुआ है। तो आकाश सबसे बड़ा है लेकिन सबसे अधिक सुलभ है। तो भगवान कृष्ण सबसे महान है लेकिन सबसे अधिक सुलभ है, हृदय में ही है। जो भगवान सब जगह है तो सुविधा है ना कि कहीं भी मिलेंगे। जहां भी उनका नाम उच्चारण किया जाएगा, जहां भी स्मरण होगा वे हैं। नहीं रहते तो बुलाना पड़ता है, कहाँ है अब पता नहीं, लेकिन भगवान सब जगह। तो कोई प्रयास नहीं है, बहुत आसान है भगवान कृष्ण को बुलाना, प्रसन्न करना। अच्छा, मान लीजिए भगवान सब जगह है लेकिन बहुत कीमती चीज को चाहते होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। उस विषय में तो स्वयं भगवान के वचन है, ये कहते हैं नहीं, कुछ हमको बहुत वस्तुओं की जरूरत नहीं है। यदि तुम देना चाहते हो तो पत्रम पुष्पम, कोई फूल और दो चार पत्ता दे दो, मैं खुश हूं, मैं खा लेता हूं। भगवान ये नहीं कहे कि मैं स्वीकार करता हूं, कहे मैं खाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रहृतम अस्नामी प्रयतात्मना। अहम अस्नामी, मैं खाता हूं, ऐसा नहीं केवल ले लेता हूं। भगवान को भाव चाहिए तो भाव से मिलते हैं, कोई वस्तु के लोभ से नहीं कि अब हम 56 भोग बनाएंगे तब वो आएंगे। इस विषय में तो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, दुर्योधन भगवान को दिखाने के लिए बहुत आइटम बनवाया। जब भगवान कृष्ण संधिदूत बनकर गए थे हस्तिनापुर,
तो दुर्योधन विचार किया कृष्ण आ रहा है और युद्ध तो होगा ही, किसी के समझाने से युद्ध रुकेगा नहीं, होगा युद्ध होगा तो कृष्ण अगर रह गए उधर तो पांडवों का साथ देंगे, इसलिए एक काम करो, यहाँ इतना स्वागत किया जाए कृष्ण का, इतना स्वागत कि वे पांडवों का साथ छोड़ दें और हमारे पक्ष में रहें। आदर से आदमी का मन फिर जाता है, तो उसने सोचा कि इस तरह से कृष्ण का मन फेर लेना चाहिए, खिला कर ठहरा करके, और सबसे अच्छा अकोमोडेशन देना है, सबसे अच्छा खिलाना है, रास्ते में कई स्वागत के लिए भवन बनाए गए थे जहां कृष्ण ठहरेंगे, बहुत सुंदर सुंदर भवन और स्वागत की बहुत बड़ी सामग्रियां। और जब भगवान को कुछ बात कहना था सभा में, वे कहने के लिए प्रस्तुत हुए तो दुर्योधन कहा कि द्वारकाधीश आप पहले खा पी लीजिए, भोजन तैयार है, आप खा लीजिए, इसके बाद जो कहना है कहेंगे। तो भगवान ने कह दिया कि मैं इस समय दूत हूं, तो वो कहता है कि आप हमारे समधी हैं, आप दूत किसी के नहीं हैं, आपको एक नहीं कहना चाहिए कि मैं युधिष्ठिर का दूत हूं। युधिष्ठिर किस गली का कुत्ता है, उसकी क्या औकात है, और उसका दास आप अपने को कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मेरी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से हुआ है, तो आप हमारे समधी हैं, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं, पहले आप खा लीजिए, तब आप कुछ भी कहिएगा। तो भगवान ने कहा कि देखिए, जब भूख से व्याकुल हो आदमी तब खा लेना चाहिए, प्रेम नहीं होते हुए भी। और स्पष्ट बात है कि आप हमको खिलाना नहीं चाहते हैं, और मैं भूख से मर नहीं रहा हूं, तो मेरी बात हो जाने दीजिए, मैं जो कहना चाहता हूं कह लूंगा, उसके बाद खा सकता हूं। तो उसने साफ कह दिया कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप पागल हो गए हैं, आप समझौरा में आकर के आप ये कह रहे हैं कि मैं दूत हूं, और ऐसे व्यक्ति का दूत जिसका न राज्य है न कुछ है, जो खुद ही कंगाल हो चुका है जुआ में सब कुछ हार करके, उस युधिष्ठिर का दूत आप अपने को कह रहे हैं, अभी 12 वर्ष 13 वर्ष वन में रहकर आया है, तो भगवान कहने में नहीं खाऊंगा। तो उनको जो कुछ कहना था वे कहे पांडवों के लिए राज देने के बाद। उसको सुनकर दुर्योधन कहा कि 5 गांव देने की बात आप कह रहे हैं, एक सुई के नोक से जितनी जमीन छेदी जाती है उतनी जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तब भगवान क्रुद्ध हो गए, कहे ठीक है, युद्ध चाहते हो तो युद्ध होगा, तब वो बलात् कृष्ण को अरेस्ट करवाना चाह, आज्ञा दिया सैनिकों को कि इनको अरेस्ट कर लो यही, अन्यथा पांडवों की तरफ जाएंगे, उनके पक्ष से लड़ेंगे, तो यहीं पर बंद करके रख। जो लोग अरेस्ट करने के लिए चले
लेकिन भगवान ने विराट रूप दिखाया और सब जहां तहां गिर गए बेहोश होकर के। और उसी समय भगवान उस सवार से निकल करके, भूख तो लगी ही थी, और चले गए विदुर जी के यहां। विदुर जी नहीं थे, माता विदुरानी स्नान कर रही थी। तो भगवान इधर से पुकार रहे थे, ऐसे संबंध में विदुर जी भगवान के फूफा लगते थे, क्योंकि कुंती देवी का विवाह महाराज पांडु से हुआ था और कुंती बुआ थी कृष्ण की। यद्यपि विदुर जी शूद्र थे, फिर भी भगवान आदर करते थे। वो चले गए घर, मैं कृष्ण हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो विद्यारण जी स्नान कर रहे थे, वो सुन ली, पहचान ली कि कृष्ण की आवाज है। तो प्रेम में बिल्कुल विह्वल थी, कृष्ण आए हैं यह सुन करके वो रोमांचित हो गई, पुलकित हो गई। और जैसे नहा रही थी, भींगे वस्त्र से ही वो कृष्ण का स्वागत करने के लिए चल दी। प्रेम में ये सुधि नहीं रहे कि मैं नग्न हूं, मेरा वस्त्र भींगा हुआ है, वात्सल्य स्नेह था। मेरा कृष्ण भूखा है, वो गई लाने के लिए घर में, कृष्ण के बैठने के लिए एक चौकी लाई छोटा सा, तो चौकी को उल्टा बिछा दिया, चौकी के चारों चरण ऊपर की तरफ से, भगवान आप उसी पर बीच में बैठे हैं। भगवान ने नहीं कहा कि इसको सीधा कर लो, बैठ गए। और खाने के लिए घर में कुछ नहीं था, कुछ केला खरीद करके रखा गया था। तो भगवान बीच में कह देते थे मुझे बहुत भूख लगी, तो विदुरानी जी वो केला ला करके रख ली अपने बगल में और उसको छिल छिल करके छिलका कृष्ण को परोस रहे थे। और केले का गिरी और गुदा वो वेस्ट में रख रहे थे, वहीं बगल में प्लेट था उस पर रखते थे और छिलका को ऐसे धरा देती थी, भगवान ले करके खा लेते। अपने जीवन में भगवान ने सब दिखाया कि मैं भाव का भूखा हूं, वस्तु का नहीं। इसी बीच विदुर जी आ गए, देखे कृष्ण खा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं और केले का गिरी फेंक दिया जा रहा है। तो विदुर जी अपनी पत्नी को सावधान करने लगे, ए तुम क्या कर रहे हो? और भगवान के हाथ से छिलका छीन लिए, छिलका छीन करके और दूसरे केला का
गुड्डा दे रहे थे। केले का गुड्डा खाने के बाद भगवान कहते हैं, जब उनके हाथ से, भगवान के हाथ से जब केला का छिलका छीन लिया गया, तब भगवान गुड्डा खा रहे थे और खा करके उन्होंने कहा कि फूफा जी ये अच्छा नहीं लग रहा है, जो स्वाद जो केला के छिलका में था उतना स्वाद इसमें नहीं है, स्वाद छिलका में बताइला कवन गुणवास। तो भगवान के ये सब लीलाएं कुछ संदेश देती हैं कि हमको कृष्ण को रिझाने के लिए प्रेम करना चाहिए, प्रेम से भगवान तुष्ट होते हैं। बहुत आडंबर, बहुत वस्तु उनको नहीं चाहिए, तो एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, साधना है कि भगवान को सब जगह देखना और भगवान के नाते सबका आदर करना, सबका सम्मान करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी वृक्ष को भी बिना मतलब के काटना नहीं, पत्ता तक नहीं तोड़ना। दुख होता है पत्ता तोड़ने से भी, इसीलिए कई भक्तों के जीवन में वर्णन है कि वे जंगल में रहते थे तो सूखा पत्ता खाते थे, पेड़ का पत्ता जो अपने आप जो सूख करके गिरता था उसको खाते थे, जैसे ध्रुव महाराज, और घास जब सूख जाती थी तब ये खाते थे, सूखा पत्ता, सूखा घास। तो हरी घास खाने में या हरी सब्जी वगैरह खाने में हिंसा होती है, तो आप इस पर विचार कीजिए, जब हरी सब्जी खाने में भी हिंसा होती है तो ये मछली वगैरह खाने में कितना घोर पाप होता है। कई ऐसे लोग कह देते हैं कि मछली खाना मांस खाना नहीं है, तो मछली क्या प्लास्टिक की बनी होती है, वो भी मांस से ही बनी है ना। इतना निर्दय राक्षस जैसे हैं लोग, किसी जीव को जिसका जीवन है जल, जल से बाहर कर देना ही बहुत बड़ी सजा है, बाहर कर देते हैं जल से और मछली छटपटाती रहती है। तो जल से काढ़ने वाला व्यक्ति भी घातक है, पापी है, खाने वाला, बेचने वाला। मनु महाराज कहते हैं पकाने वाला और मांस के लिए अनुमति देने वाला कि ठीक है खाना चाहिए, वो भी मांसाहारी है, मांस जीव को मारने का पाप उसको भी लगेगा। अनुमानता और जो मारता है और कोई मांस को काटता है उसको भी पाप लगता है, पकाने वाले को, खाने वाले को। कई ऐसे बेवकूफ लोग हैं कहते हैं हम मारते नहीं हैं, हम खा लेते हैं। यहां ये सब राक्षसी विचार है, मारना, ढो करके लाना या बेचना, खरीदना। मनु महाराज ने सबको कहा है घातक, मांस की अनुमति देने वाला, मांस को बेचने वाला, खरीदने वाला, उसको काटने वाला,
पकाने वाला और खाने वाला ये सभी हिंसक है, हिंसा का पाप लगता है। किसी जीव को जीने देना ये देवत्व है, मनुष्यता है, और मारना किसी तरह से ये पछता है। कोई जीव अपने निवास स्थान में सुखी है, जल के भीतर जलाशय में मछलियां सुख से रहती हैं, तैरती हैं, और वहां से काढ़ ले कोई जाल डालकर या जैसे, तो उनको कितनी पीड़ा होती है। हम लोग यहाँ बैठे हैं और कोई राक्षस आकर के गला में नक दबावे कि सांस नहीं लेना है, तो क्या हालत होगी। नाक बंद कर ले, गला दबा ले, तो हाय हाय करेंगे, छोड़ छोड़ आप मर जाएंगे। तो ऐसे ही दुख होता है ना सभी जीवों को। पर क्या बुद्धि है, क्या हृदय है मनुष्य का, दूसरे को काट करके पका करके और अपने को अजर अमर करना चाहता है। वो इसीलिए ना खा रहा है कि मैं मरूं नहीं, मैं जीवित रहूं, दूसरे का जीवन समाप्त करके मैं जीना चाहता हूं। यह अच्छे मनुष्य का कभी विचार नहीं हो सकता। तो राक्षस जैसा जो है वह उसी का संचार। तो हमें तो केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य में भी भगवान के भक्ति के स्तर पर आना है, के प्रेम के स्तर पर, और सभी प्राणियों को सुख देना है, सबको सम्मान देना है, सब में भगवान है। भगवान कहते हैं यही मेरा आदर है, सभी प्राणियों का सम्मान करना मेरे निवास स्थान मान करके, यही मेरा आदर है, यही मेरी पूजा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कृष्ण भगवान परम सत्य है वो तो एकदम नक्की है, मगर उन्होंने माया जैसी असत्य शक्ति को क्यों पैदा किया? सत्य से सत्य ही बाहर आना चाहिए। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, सत असत सब कुछ उन्हीं से निकलता है। वे सत्य हैं, लेकिन असत भी उन्हें से निकलता है। जैसे पृथ्वी उनकी एक शक्ति है, लेकिन इसी पृथ्वी से मीठा भी निकलता है और तीता भी निकलता है। आप एक बार गन्ना रोप दीजिए तो गन्ना मीठा खींचेगा, और मिर्च रोप दीजिए तो मिर्चा खींचेगा तीता। उसी स्थान पर तंबाकू लगाइए तो तंबाकू होगा। तो पृथ्वी कृष्ण की शक्ति है, भौतिक शक्ति। इसमें यह विलक्षणता है, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाली वस्तुओं को पैदा करती है। तो इसी तरह से भगवान ऐसे तत्व हैं जिनसे माया शक्ति भी निकलती है, जीव शक्ति भी, और स्वरूप शक्ति तो है ही। सारी शक्तियां जो जड़ शक्ति और चेतन शक्ति सब कुछ निकलती है।
परास्य शक्तिर विधय श्रूयते, ऐसा उपनिषद में कहा गया है कि इस ईश्वर की अस्य पराशक्ति, इसकी शक्तियां विविधा एवं श्रूयते, बहुत सुनी जाती है। यही तो भगवान की विशेषता है और समस्त शक्तियां एक साथ निकलती रहती हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती रहती हैं और सूर्य में ही फिर समा जाती हैं, ये दिन भर फैली हुई किरणें शाम को कहाँ चली जाती हैं, ये सूर्य में ही फिर समा जाती है। कहीं कोई इनको काट करके अपने घर में रख नहीं सकता कि सूर्य की किरण यहाँ है तो इसको काट करके रख लो, रात में भी प्रकाश रहेगा। नहीं, सूर्य जाएगा, अपनी समस्त शक्तियों को समेट करके चला जाएगा। सूर्य से प्रकाश भी निकलता है और बादल भी निकलता है, ये भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। तो माया शक्ति भी निकलती है जो जीव को मोहित कर लेती है। पर वही शक्ति जीव को खिला रही है, पिला रही है, सब वस्तु दे रही है। ज्ञान शक्ति भगवान से निकलती है, हरे कृष्ण। महाराज, ये जो पत्थर होते हैं क्या इनमें भी कोई जीव होता है? एक स्थान पे मैंने ऐसा पढ़ा है कि कोई बहुत पापी व्यक्ति होता है तो वो पत्थर बन सकता है अगले जन्म में, परंतु ऐसा बोलते हैं कि पत्थर में तो जीव नहीं होता है, तो पहाड़ है, पत्थर है, ये कि जीव है? हाँ, है जड़ है, भी अचर जीव है। पत्थर में भी जीव होता है, आत्मा होती है? हरे कृष्ण। जो बाहर लोग जो मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, वो शरीर दुर्गंध आता है, जो मर जाते हैं और दुर्गंध आते हैं। लेकिन भक्त तो ऐसा नहीं खाते, भक्त तो भगवान को पसंद पाते, लेकिन भक्त का शरीर क्यों दुर्गंध आते, जो पसीना निकलते और दुर्गंध आता है? मछली खाने से ही गंध नहीं निकलता, शरीर का प्रभाव ही ऐसा है। शरीर का स्वभाव ही है दुर्गंधात्मको अशुचि, यह अपवित्र शरीर है, इसमें स्वाभाविक गंध है। छोटा बच्चा जन्म लेता है और तब केवल दूध पीता है, लेकिन उसके शरीर से दुर्गंध निकलती है। शरीर में इतनी दुर्गंध है कि कोई अच्छा चीज भी खाइए, आप खीर खाइए, केसर डाल करके कुछ भी, और शरीर का संग करते ही मल के रूप में बन जाते। कोई ये इसका आगंतुक दोष नहीं है, ये स्वभाव से ही इसमें दोष है। हरे कृष्णा महाराज जी, हरे बोल इधर, हरे कृष्णा महाराज जी। जैसा आपने बोला कि चर और अचर किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए हमें, तो गाय है उसके लिए हमें घास लाना पड़ता है, या हमारा शरीर है उसके लिए हमें कोई संविधा लानी पड़ती है, कोई दवाई लानी पड़ती है, कोई फल है, तो जैसे कोई हमारे बीमारी के लिए ठीक करने के लिए
एक दूसरा पेड़ है उसकी पत्तियां नोचनी है मतलब उसके बाल नोचने हैं उसके फल तोड़ने ये करने और फिर हमारे शरीर के लिए ठीक करना है हमें उसको तकलीफ देके तो वो कह शरीर को तो ठीक करना है तो कैसा करें फिर उसके लिए क्या सुविधा है क्या प्रक्रिया है कैसा किया जाए इसके लिए बताया गया है कि शरीर की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि आद्यम शरीरम खलु धर्म साधनम भक्ति करने के लिए शरीर पहला साधन है तो शरीर को ठीक रखने के लिए उपाय करना चाहिए लेकिन जथा संभव हिंसा कम हो बिना हिंसा किए उपाय हो जाए तो अच्छा है अगर करना ही पड़े तो कम से कम होना चाहिए मान लीजिए आपको तुलसी जी को लेना है औषधि के रूप में तो तुलसी का पत्ता उतना ही ले जितने से काम हो जाए ये नहीं कि बहुत ज्यादा तोड़ने काटे कोई भी पेड़ पौधा दुख का अनुभव करता है तो उत्तम तो ये है कि जो शरीर से ऊपर उठा हुआ है वो शरीर का दुख सह ले लेकिन दूसरे को दुख ना दे पर दूसरे को दुख देना ही पड़े तो कम से कम दे जैसे सब्जी बना रहे हैं तो अपने काम भर के लिए बना ले आप ज्यादा भच भच काटना है तो मांस काटने के समान ही है हरा सब्जी को काटना पकाना उससे भी उस जीव को दुख तो हुआ ही भोजन बनाने में ही कितने जीव मर जाते इसीलिए कोई कोई महात्मा अग्नि जलाते ही नहीं है अग्नि जलाने से पानी गर्म करने से कितने जीव मर जाते हैं तो उतना तो गृहस्थ जीवन में संभव नहीं है कि हम इस प्रकार से बचे परंतु जथा संभव हिंसा से बचना चाहिए हरे कृष्णा महाराज जी और मेरा प्रश्न है महाराज जी महाराज जी मेरा प्रश्न है कि साधना हम करते हैं और हमें हमारे अंदर प्रेम कृष्ण प्रेम क्यों नहीं होता है उधर और अष्ट विकार क्यों नहीं पैदा होता है जैसे कहा जाता है कि नाम जाप का एक ही फल है कृष्ण प्रेम और हमारे आचार्यों को जो कृष्ण प्रेम मिला अष्ट विकार रोमांच कंप ये सब तो अगर नाम अपराध हम करते हैं नाम जाप में भी तो किस प्रकार उसका निवारण हो और कैसे हमें कृष्ण प्रेम मिले जिसे हमारे शरीर में अष्ट विकार पैदा हो तो अष्ट विकार पैदा करना चाहते हैं कि प्रेम पैदा करना चाहते हैं तो प्रेम में ही अष्ट विकार कहा जाता है इसलिए मैं बोला ज्यादा तो ये इच्छा है ना कि अष्ट विकार उत्पन्न हो और वो किस लिए कृष्ण के लिए नहीं सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण का नाम गाना नाम उच्चारण करना अष्ट विकार हो या ना हो वो तो करने से होगा लेकिन अष्ट विकार की चिंता नहीं करनी चाहिए एक बहुत बड़े भक्त हो गए हैं गदाधर भट्ट जो वृंदावन में रहते थे तो वे कथा कहते थे तो वहां एक साधु आते थे
तो और सब लोग रोते थे, अष्ट विकार में एक विकार है आंसू, सब लोग रोते थे कथा में, तो उनको रुलाई नहीं आती थी। तो वो पूछे कैसे रुलाई आएगी हमको भी, तो एक भक्त ने बता दिया आप मिर्च पीस लीजिए और उसको एक कपड़े की पोटली में लाइए और अपने आंख पर कथा के समय आंख पर डालिए, तब वो आंख में लगेगा तो अपने आप रुलाई आएगा। तो वही वो करते थे जीव गोस्वामी के समय की बात, जब वो रुलाई की इच्छा होते थे तो आंख पर डाल देते थे मिर्च, तो फिर आंसू गिरता था और आंख पोछने में हमेशा लगे रहते थे। तो कथावाचक सुन ले, मतलब गदाधर भट्ट जी देख लिए तो बहुत प्रसन्न हुए कि जो इस तरह आंखों को दंड दे रहा है तो अष्ट सात्विक विकार, तो सात्विक विकार है, जब सतगुण में मन हो जाएगा तो अपने आप आएगा। भगवान की याद करके, भगवान का नाम लेकर के, तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, नाम लेना चाहिए। छोटा बच्चा जब माँ माँ कह करके रोता है तो उस समय उसमें कुछ विकार आ ही जाते हैं ना, तो माँ के लिए रोता है। भगवान कृष्ण से जब हम ऐसे संबंध अपना मानेंगे कि हमारी माँ है या हमारे पिता है, हमारे प्रेमी हैं, तब वो भाव उत्पन्न होगा, भाव के बाद ये विकार आएगा। और फिर भी नहीं आता है तो वही है उपाय, मिर्चा की पोटली। कुछ लोग तो कीर्तन में वृंदावन में आ जाते हैं और लगता है कि अब चैतन्य महाप्रभु ही आ गए हैं, छटपटाने लगते हैं, कई भक्त घेरते हैं हटाने के लिए, छटपटाने लगते हैं, उनको संभालने के लिए दूसरे लोग खड़े रहते हैं, यही सब नाटक होता है। इतना भाव नहीं सस्ता हो गया है प्रेम की उत्पन्न हो जाए, बहुत बिरले भाग्यवान को ये प्रेम मिलता है। नाम जप से होगा, नाम कीर्तन से। नाम जप में महाराज जी दसवां अपराध हम रोज पढ़ते हैं, उसमें दस अपराध में से कोई ना कोई अपराध होता ही रहता है। तो अपराध आप मत कीजिए, आप जप करेंगे और अपराध नहीं होगा, इसके लिए मैं गारंटी लूंगा। आप अपराध मत कीजिए। तो हो जाता है उसका निवारण? उसका निवारण अधिक से अधिक जप करना ही है। नामापराध युक्तस्य नामा निवहरन्तः, नाम अपराध जिसे होता है उसका अपराध का मार्जन का उपाय है अधिक से अधिक जप करना। अपराध हो रहा है तो उस दिन खाइए मत और सोइए मत, दिन भर रात भर नाम लीजिए, भगवान के सामने खड़ा होकर के गाइए, अपने आप अपराध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।
अपराध करने से ना होता है कि अपने आप कैसे हो जाएगा। जानना चाहिए कि हमसे अपराध हो रहा है, और जान जाएंगे तो अपराध कम हो जाएगा, अपने आप कम होगा। केवल कहना अलग बात है कि हमसे अपराध हो रहा है, लेकिन रियलाइज करना कि अपराध वास्तव में हो रहा है और दूसरा कि नहीं होना चाहिए, ये भी निश्चय होना चाहिए। कृष्ण महाराज, भक्त जो भजन साधन करते है, शुद्ध भजन करने के बाद भी क्या होता है ना, सद्गुण नहीं आते, सत्य कथा नहीं मिलते, सद्गुण नहीं आते। क्यों? जो किसको भक्त जो पूछते कहाँ जा रहे हैं, जैसे नहीं भाई यहां से जा रहा हूं, अलग काम से जा रहा है, ऐसा बोलता है, क्यों सद्गुण क्यों नहीं आते? भजन साधन करते, मंगल आरती आते, सब करते, सद्गुण क्यों नहीं आते? सत्गुण आता है सात्विक पदार्थ और का सेवन करने से, सात्विक लोगों का संग करने से, सात्विक बातें सुनने से, पढ़ने से, और सात्विक जल भोजन आदि करने से आता है। केवल भगवान का प्रसाद खाएं और बिल्कुल परिमित, कम से कम तो आएगा। कोई चीज ग्रहण करें कान से, जीभ से, आंख से, तो सात्विक होना चाहिए। सात्विक दृश्य देखें, सात्विक बात बोलें, सात्विक बात सुने, सात्विक लोगों के संग में रहें, तो सात्विक सत्वगुण क्यों नहीं आएगा? स्वाभाविक है, सब आएगा। हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे कथा में आया कि भगवान जीव से स्नेह करते हैं, इसीलिए और कोई साथ में नहीं रहता, लेकिन भगवान हर समय साथ में रहते हैं, तो हृदय में रहते हुए भी भगवान जीव जब पाप करता है तो उनको रोकते क्यों नहीं? भगवान संकोच करते हैं, वो प्रेम का संबंध चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे आप पूछ रहे हैं, एक भक्त ने पूछा था कि भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान पर तजमा में कम शरणम बन जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, सबको छोड़ दो, तो जबरदस्ती क्यों नहीं शरण में ले लेते हैं? तो जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि जीव अपनी इच्छा से प्रेम से मुझे समर्पण करें। अगर मान लीजिए आपके पिताजी या गुरु कहें कि आओ चरण दबाओ, मेरे चरण सेवा करो, तो कोई पुत्र या शिष्य अपनी इच्छा से करे सेवा, उसमें जो रस है वो जबरदस्ती करा लेने में रस नहीं है। जबरदस्ती कराएगा भी तो उसमें कोई रस नहीं रहेगा। जो भगवान इस तरह से प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से कोई समर्पण करता है तो अच्छा है, इसीलिए वे पाप कर्मों से रोकते भी नहीं है। ठीक है कर ले, और हमेशा साथ रहते, कभी तो हमारे तरफ दिमाग करेगा, हमारे तरफ मुड़ेगा,
वो इसी आशा में रहते हैं कि अब मेरी भक्ति करेगा, अब मेरे तरफ मुड़ेगा। और जीव तो विषय भोग में ही लगा रहता है, वो केयर ही नहीं करता है कि परमात्मा हमसे चाहते हैं प्रेम। ठीक है, आप सुना। हरे कृष्ण। जय श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज की।